ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान के दरअसल इसराइल और हमास के बीच जारी जंग पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं। और इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इसराइल ने युद्ध में पूरी ताकत झोंक दी है और ये हमास के खिलाफ आखिरी जंग की तैयारी है। हम हमास के खात्मे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसराइल की सेनाएं लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही हैं। इसके साथ हमास से जुड़े लोगों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इधर इसराइल और हमास युद्ध पर अमेरिका का बयान कि इसराइल के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लगातार अमेरिका की तरफ से भी सैन्य राहत सामग्री भेजी जा रही है और इन सब के बीच अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि वो इस युद्ध में, इस जंग में इसराइल के साथ खड़ा है। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना है कि हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और गाजा पहले जैसा नहीं रहेगा। हम गाजा पट्टी को 180 डिग्री तब्दील कर देंगे और जितना भी हिसाब है वो सब कुछ चुकता किया जाएगा और ये अगली कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। तो इसराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है और इन सब के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री भी लगातार हमास के खात्मे का दावा कर रहे हैं।